तो यार दोस्तों कैसा लगा सब कुछ? मेरा नाम है लुकस मटेर, आप लोगों टेक मैकेनिक पे। तो यार बहुत बार ऐसा होता होगा कि अगर आपने अपने जीवन काल में कभी एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज से सफर किया है, तो आपकी फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले खूबसूरत सी लड़की आपको आके कहती होगी कि दो द्वार आगे हैं, दो द्वार पीछे हैं, कोई भी एक बार से ज्यादा पानी नहीं मांगेगा और सभी लोग अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें, और जिसने भी स्विच ऑफ नहीं किया उसका चमड़ा आजाद कर दिया जाएगा। धन्यवाद। क्यों स्विच ऑफ कर दे भाई? आप लोग सोच रहे थे कि आप लोगों की 1 घंटे की फ्लाइट है, तो आप 5-6 टेक मैकेनिक के वीडियोस देखोगे और आपकी फ्लाइट आराम से निकल जाएगी। लेकिन अब आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि आपको अपना फोन ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यार कभी भी प्लेन टेक ऑफ होने से पहले सारे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्विच ऑफ करने की प्रथा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे कि आपका लैपटॉप, आपका फोन, तो अगर आप उन सबको यूज करोगे तो उन सबसे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफियर करेगी जो कि पायलट और ग्राउंड क्रू यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हो रही है। तो अगर आप फ्लाइट पर आपने अपने फोन से किसी को कॉल किया, तो जो पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरफियर हो सकता है और इससे क्रैश होने तक की नौबत भी आ सकती है। तो जो एविएशन डिपार्टमेंट्स है उन्होंने किसी भी फ्लाइट पे किसी भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें से किसी भी तरह की कोई भी फ्रीक्वेंसी निकलती है उनका यूज बैन कर रखा था। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी राहत है क्योंकि डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने ये बैन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। उनका मानना है कि आप अपने फोन को फ्लाइट मोड या फिर एयरप्लेन मोड में डालकर फ्लाइट के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि जो एयरप्लेन मोड है वो किसी भी फोन या लैपटॉप में किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी को आने या जाने से रोकता है। तो ये रूल इसीलिए बना है क्योंकि बहुत सारे क्रैशेज, जिसमें कि माना जा रहा था कि वो क्रैशेज मोबाइल यूज करने से हुए हैं या फिर लैपटॉप यूज करने से हुए हैं, उनमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे कि 100% श्योरिटी हो सके कि मोबाइल यूज करने के कारण ही वो एयरप्लेन क्रैश हुआ है। तो आप इंडिया के अंदर फोन यूज तो कर सकते हो लेकिन फ्लाइट मोड पे, है ना, कोई कॉल नहीं कर सकते। वैसे कॉल तो आप किसी भी कंट्री में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में आप वाईफाई चला सकते हो, लेकिन इंडिया में शायद वाईफाई भी नहीं चला सकते क्योंकि एयर इंडिया में ऑन बोर्ड वाईफाई अवेलेबल नहीं है। ऑन बोर्ड वाईफाई वो होता है जो कि एयरलाइन खुद प्रोवाइड करवाती है उसके पैसेंजर्स को, और वो जो वाईफाई है वो फ्लाइट से ही कंट्रोल होता है। और जो कंपनी से जो कि एयरप्लेन वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, शायद एयर इंडिया ने उनकी सर्विसेज ले नहीं रखी है। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि आप फिर भी टेक मैकेनिक के वीडियो फ्लाइट पे देख सकते हो क्योंकि YouTube ने अब ऑफलाइन का ऑप्शन डाल दिया। तो आप घर से निकलने से पहले टेक मैकेनिक कुछ वीडियोस ऑफलाइन कर लो और आराम से फ्लाइट पे बैठकर देखो, तो है ना ये बढ़िया चेंज। तो इस बढ़िया चेंज के लिए मैं एविएशन डिपार्टमेंट को थैंक यू नहीं बोलूंगा, मैं थैंक यू बोलूंगा यूट्यूब को ऑफलाइन वाला फीचर अवेलेबल कराने के लिए। और वैसे भी 2013 के बाद फ्लाइट्स के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ होता है वो इन सब मोबाइल और लैपटॉप की फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा इम्यून होता है। तो अगर मान लो आपने गलती से फोन यूज कर भी लिया एक फ्लाइट के अंदर, तो उस फ्लाइट का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको उस फोन की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एयरलाइंस इस टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, और ये एक तरीके से मेरे ख्याल से बढ़िया बात भी है क्योंकि अगर आप 1-2 घंटे मोबाइल यूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से कहीं कोई चोट हो गई, है ना, तो वहां पे काफी सारे लोगों की जान दांव पे लग सकती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, लेकिन दो प्लेन क्रैशेस ऐसे हैं जिसमें कि मोबाइल फोन को उन क्रैशेस की वजह बताया जा रहा था। तो पहला जो क्रैश है वो है क्रॉस एयर का स्विट्जरलैंड में, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि किसी ने मोबाइल फोन यूज किया और उसने जो प्लेन का ऑटो पायलट था उसको कंफ्यूज कर दिया कि किस डायरेक्शन में जाना है, और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा नीचे चला गया, और जब तक कि पायलट उसको कंट्रोल कर पाता वो प्लेन क्रैश हो गया, और वो जो मिस्ट्री केस है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन माना ऐसा ही जा रहा है कि वो मोबाइल फोन की वजह से हुआ था। और जो दूसरा था वो हुआ था क्रिस्ट चर्च में 2003 में, और ये है न्यूजीलैंड की बात, और उसमें भी ऐसा ही माना जा रहा था कि वो मोबाइल फोन की वजह से हुआ। लेकिन क्या सच में क्रैशेस मोबाइल फोन की वजह से हुए थे? तो इसमें अभी तक 100% ये गारंटी नहीं है कि ये मोबाइल फोन की वजह से हुआ या नहीं, लेकिन कोई और वजह ना मिलने के कारण मेरे ख्याल से इसको मोबाइल फोन पे ढोला जा रहा है। तो अभी भी आप अपने मोबाइल फोन को उतनी आजादी से इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्लाइट के अंदर जितनी आजादी से आप अपने घर में करते हो, लेकिन अब काफी ज्यादा रिलीफ है आपको क्योंकि आप मूवीज देख सकते हो, अपने मेमोरी कार्ड में ले जाओ, अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज में ले जाओ, गेम्स वगैरह खेल सकते हो। हाँ, लेकिन आपको फ्लाइट मोड पे रखना पड़ेगा, ये बात तो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, लाइक करो यार, सपोर्ट कितनी डाउन हो गई है मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल। और अगर आप मुझे पहली बार चिल्लाते सुन रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।
तब तक के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे भी, लोकन डॉट सिंह डॉट भाटी के नाम से मेरा अकाउंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फ्लाइट में मेरे वीडियोस देखना मत भूलना।